हाय स्टूडेंट्स, हाय पेरेंट्स, हाय फ्रेंड्स। आज जो हम लोगों ने टेस्ट ऑर्गेनाइज किया कैम्ब्रिज फाउंडेशन स्कूल में, हमारा एक ही पर्पज़ था कि बच्चों को बोर्ड से पहले बोर्ड्स का एक्सपीरियंस देना। जिस तरह से लास्ट 1.5 ईयर के अंदर में पैंडमिक में बच्चों ने कोई भी ऑफलाइन प्रॉपर बोर्ड्स का एग्ज़ाम नहीं दिया और अभी एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, हमारा पर्पज़ था उसके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना। आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस इनको हेल्प करेगा कि जो मिस्टेक्स इन लोगों ने आज कर दी, आने वाले टाइम में ये लोग बोर्ड्स में नहीं करेंगे। फ्रैंकली स्पीकिंग, अब जो बच्चों का जो कंसंट्रेशन लेवल पहले था बोर्ड से पहले, मतलब इस पैंडमिक से पहले, वो मेरे अकॉर्डिंगली नहीं रहा है। काफ़ी कुछ बच्चे ऑनलाइन स्टडी के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्ब रहे हैं। मे बी जब वो स्टडी कर रहे थे घर पे, उन लोगों को कहीं ना कुछ बातचीत हो रही होती है, तो वो जो एनवायरनमेंट उन लोगों को कोचिंग इंस्टीट्यूट का मिलता था, जहाँ वो सिर्फ डेडिकेटेडली स्टडी के लिए जाते थे, वो उन लोगों ने मिस किया। इसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन लेवल कहीं ना कहीं वीक हुआ है। हाँ, बट ये एक अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं नया पैटर्न जो OMR वाला आ रहा है, ये दिस इज़ मोर ऑन कंसेप्चुअल बेसिस। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आने वाले बच्चे मोर ऑफ रोटे लर्निंग से हटकर मोर ऑफ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में जाए, तो आई थिंक दैट विल इम्प्रूव फॉर द किड्स। आई एम रियली हैप्पी कि बच्चों ने जब आज टेस्ट दिया और टेस्ट हम लोगों ने लेने के बाद, कंडक्ट करने के बाद इमिडिएटली चेक किया, तो बच्चों की ऐसी मिस्टेक सामने आई कि अगर वो डायरेक्टली बोर्ड्स देने जाते तो शायद उनका पूरा करियर ही इफेक्ट हो जाता। नई OMR शीट में जो नए रूल्स आए हैं कि किस तरह से फिलिंग करनी है, कैसे उन लोगों ने एस्टिक्स का जो उन लोगों ने कॉलम बनाया है या फिर जो उन लोगों ने हैशटैग वाला कॉलम बनाया, उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है, वो सीख पाए अच्छे से। सेकेंडली, ये जितने भी क्वेश्चंस का फिलिंग का वे है, लाइक पेंसिल्स यूज़ नहीं करनी है, पेंस यूज़ करने हैं, क्वेश्चंस अगर आप लीव कर रहे हैं अभी अनअटेम्प्टेड करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपने हैशटैग को क्लिक करना है, या एस्टिक्स में आपने कैरेक्टर्स लिखने हैं। लाइक बोर्ड्स ने बताया कि आप सिर्फ फीलिंग नहीं चलेगा, कैरेक्टर्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें बच्चों को पता ही नहीं थी। इस एग्ज़ाम को देने के बाद अब उनको क्लैरिटी हो गई है कि इस OMR शीट के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। आई एम श्योर ये उनके मार्क्स मिनिमम नहीं तो ना 20-30% इंक्रीज़ करेगा ही करेगा। इवन मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करी है कि काफ़ी सारे बच्चों ने इस बार कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है, और अब बिकॉज एग्ज़ाम्स बिल्कुल ही करीब हैं, तो उन लोगों को कोई ना कोई टेंशन हो रहा है कि हम कैसे प्रिपेयर करें। इन सब की इफ़ेक्टिव नॉलेज अंडरस्टैंडिंग मार्क्स गेन करने के लिए हम लोगों ने अपनी स्पेशलाइज्ड एक वेबसाइट रेडी करी है। उस वेबसाइट में दे हैव एवरीथिंग, रिवीजन पॉइंट्स है जिसके अंदर कोई भी चैप्टर ये लोग हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में देख कर पूरा रिकॉल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, अगर कोई चैप्टर वीक है उसकी प्रैक्टिस के लिए स्पेशल टेस्ट बना रखे हैं। अगर पूरा पूरा इन लोगों ने OMR प्रैक्टिस करना है पूरा पेपर पैटर्न का, तो हमने 10 पेपर्स अपलोड कर रखे हैं। एंड बिलीव मी, ये सारे के सारे पेपर्स मैंने खुद ने अपने आप को, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके अपलोड करे हैं। आई एम श्योर कोई भी बच्चा इन पेपर्स को अटेम्प्ट करेगा, इन रिवीजन वीडियोस को देखेगा, तो उसके मार्क्स बेस्ट से बेस्ट 100% आएंगे ही आएंगे। आई एम श्योर कि अभी भी टाइम आपके पास है, आप चाहें तो अभी भी इस वेबसाइट की वैल्यू को बेनिफिट फॉर्म में ले सकते हैं और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। The experience was really good, and also like this was my first offline paper, and I have the confidence now to give the paper offline, and I felt really good. It was just like boards, and it was wonderful. And I will suggest Education and Cambridge School to take one more paper like this. So practice and practice and practice. ऐसा नहीं है कि हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं सिर्फ एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए हैं, हम लोग तो चाहते हैं, हमारा पर्पस बहुत क्लियर है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बेनिफिट्स देना। तो जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी चाहें तो हमारे जो भी ऑफिशियल नंबर है या हमारे जो ईमेल आईडी है या हमारी वेबसाइट पे कहीं पे भी इंक्वायर करके नेक्स्ट वीक में जो हमारा इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स का टेस्ट होने वाला है वो एटलीस्ट दे सकते हैं। एंड इफ अगर कोई पॉसिबिलिटी रही और हम कोई और अगर टेस्ट इन बिटवीन अरेंज कर पाए, विल श्योरली ट्राई फॉर दैट। जब बच्चे पहले एग्ज़ाम्स दे रहे थे तो उन लोगों को 3 आवर्स के एग्ज़ाम्स देने होते थे। 3 आवर्स की सिटिंग करना और उसका माइंड मेकअप करना बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था ड्यूरिंग दिस पैंडमिक टाइम, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन पे इम्पैक्ट पड़ा। 2 साल के बाद ही शुरू किए थे उन्होंने, पहले जो एक तरह की प्रैक्टिस आ रहे हैं बच्चों को प्रिपेयर रहेंगे आगे कि कैसे आगे बोर्ड के एग्ज़ाम देने, जो बच्चों को प्रैक्टिस छूट चुकी थी स्कूलिंग के लिए, अब स्कूलिंग की दोबारा शुरू कर रहे हैं, कैसे ये आगे
एग्जाम्स वगैरह देंगे या जो भी है, सही है, अच्छी है, ये सही किया है जो किया। वही एग्ज़ाम लेवल जो 180 मिनट्स का था, जब वो 90 मिनट्स का हो गया, तो अब बच्चे 90 मिनट्स कहीं भी अपना स्पेयर निकाल सकते हैं। और जहाँ वो एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने के बाद थक जाते थे बिकॉज ऑफ 90 मिनट्स का एग्ज़ाम, वो भी OMR शीट बेस्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, सिर्फ माइंड यूज़ करना है, अब एक दिन में वो 2-3 सब्जेक्ट्स के पेपर्स दे सकते हैं और उनकी प्रिपरेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकती है, इवन दो उनका जो लॉस ऑफ टाइम हुआ या जो लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हुआ इन दिस पैंडमिक टाइम। ये बात बिल्कुल बेनिफिशियल है बिकॉज पहले बहुत सारे बच्चों को ना प्रिपरेशन कैसे करते थे, उनको हम लोग ये बताते थे बच्चे यही क्वेश्चन आएगा, इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएगा, आपको ये याद करके चले जाना है और आपने से वैल्यूज डालनी है, आपके आंसर्स आ जाएंगे। मेरे अकॉर्डिंगली फ्यूचर जनरेशन रादर देन कंसेप्ट क्लैरिटी रट्टे लर्निंग पे ज़्यादा चल रही थी, पर अब जब सारा का सारा पेपर सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड पे है तो बच्चे अब फॉर्मेट बनाने में टाइम नहीं लगा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि यही क्वेश्चन है, ये वैल्यूज़ आनी है, उनको ना रियल लाइफ केस बेस्ड स्टडीज़ दी जा रही हैं, रियल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जा रहा है कि उन लोगों ने किसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो आई थिंक ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी, उनके जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा बढ़ेगा, तो मोर ऑफ अ प्रोफेशनल थिंकिंग है रादर देन रॉट लर्निंग। So how was your experience? It was a great experience. It was very intense. The stress felt really real. The answer sheets, the question paper, everything from A to Z just felt like boards. And I am really confident now. And The pressure level पहले के comparison में obviously कम हुआ, पहले बच्चे एक ही साथ 1 year के बाद 100% कोर्स की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देते थे, यानी बच्चे ने अगर जब एग्ज़ाम देना है तो दिमाग में पूरा 100% कोर्स होना चाहिए, रादर देन जब ये 2 terms में डिवाइड हुआ तो बच्चे भी जो प्रेशर लेवल है वो भी तो डिवाइड हो गया। अब उन लोगों ने हाफ कोर्स की प्रिपरेशन वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप बेस की टिल अक्टूबर नवंबर दिसंबर करनी है, एंड देन रिमेनिंग हाफ कोर्स की प्रैक्टिस या प्रिपरेशन उन लोगों ने मार्च अप्रैल के टाइम पर करनी है, तो कहीं ना कहीं बच्चों पर प्रेशर कम हुआ, वो एक टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट वेराइटी ऑफ केस प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व कर सकते हैं, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग भी ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी और प्रेशर स्ट्रेस लेवल भी क्या होगा वो कम होगा।